सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। उन्हीं में से एक ये महर्षि दानंद पुनकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदित्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद का वो पाठ करते थे और जमीन भी थी इनके कुछ। महर्षिदानंद के पूज्य पिताजी, सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए। आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किए और उनके चरणों में बैठ कर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए। ये जिज्ञासु बन के निकले थे और उस तत्व ज्ञान के आधार से वो वक्ता बन गए, औरों को ज्ञान प्रचार करने लायक गए उस अड़ंगे का जो 13 ज्ञानियों से ग्रहण किया था। और उसका अपना अनुभव उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बना के समाज को प्रवेश कर दिया। महापुरुष चले जाते हैं, उनके बाद उनके ज्ञान का जो प्रतीक है, उन्हीं का जो साक्षी है, उनका अनुभव होता है। तो महर्षि दानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था जो एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। और इनके चेले ने कहे रामपाल ने संस्कृत ना आती, और महर्षि दानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ के वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। अब जिन गुरुओं से उसने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैदिक, अब इसके सत्यार्थ प्रकाश से और वेदों से तोल कर ये दास दिखाओगा।